नाजरीन आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है पहले मैं आपको एक कुरान पाक की छोटी सी आयत सुनाता हूँ फिर आगे चलते हैं। सूरह तूर की आयत का तर्जमा है बेशक तेरे रब का आजाब होकर रहने वाला है इसे कोई रोक सकने वाला नहीं आइए अब आपको एक वाक्य सुनाता हूँ एक दफा रात को हजरत उमर फारूक रजी शहर की देखभाल के लिए निकले तो एक मकान से किसी मुसलमान की कुरान खानी की आवाज़ कान में पड़ी वो सूरज वही आयत पढ़ रहे थे जो मैंने आपको अभी सुनाई है आपने अपनी सवारी रोक ली और खड़े होकर कुरान सुनने लगे जब वो ये आयत पर पहुँचे बेशक तेरे रब का आजाब होकर रहने वाला है इसे कोई रोक सकने वाला नहीं तो जुबान से निकल गया के रब्बे काबा की कसम सच्ची है फिर अपने गदे से उतर पड़े और दीवार से तकिया लगाकर बैठ गए चलने फिरने की ताकत न रही देर तक बैठे रहने के बाद जब होशोहवास ठिकाने आए तो अपने घर पहुंचे लेकिन खुदा के कलाम की इस डरावनी आयत के असर से दिल की कमजोरी की ये हालत थी कि महीना भर तक बीमार पड़े रहे और ऐसे के लोग बीमार पुरसी को आते थे गो किसी को मालूम ना था कि बीमारी क्या है नाजरीन अब एक बात पे गौर कीजिए क्या जब मैंने इस वीडियो के शुरू में ये आयत सुनाई तो हमारा भी दिल डर गया था क्या हमारे जिस्म पे भी कपकपी तारी हुई क्या हमारी भी कोई ऐसी हालत हुई क्यों नहीं हालांकि वो ही आयत हजरत उमर फरूक रजियला सुनी वही हम सुन रहे हैं क्योंकि गुनाहों के सबब हमारे दिल सख्त हो चुके हैं अगर हम गुनाहों को छोड़ देंगे और अल्लाह की फरमा बरदारी शुरू कर देंगे तो कुरान पाक की आयतों का असर हमारे दिलों पर भी होगा और हम मजीद अल्लाह तला के करीब होते चले जाएंगे लिहाजा मेरी अपने नाजरीन से गुजारिश है कि सबसे पहले तर्क नाफरमानी कीजिए अल्लाह तला की नाफरमानी छोड़ दीजिए अल्लाह तला के करीब होते जाएंगे अल्लाह तला से दुआ है अल्लाह तला हम सबको अपना कुर्ब नसीब फरमाए और दुनिया और आखरत में कामयाबियां अता फरमाए आमीन सुमाम